दोस्तों, इंडस्ट्री माइंड्स के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फ्यूचर मार्केट के बारे में एक एग्जांपल की हेल्प से, और साथ ही हम जानेंगे फ्यूचर मार्केट के बेनिफिट्स को भी ओवर द ओटीसी मार्केट। तो बिना किसी डिले के वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्यूचर मार्केट एक ओटीसी मार्केट नहीं है, इसे रेगुलेट किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। इंडिया में इसे सेबी रेगुलेट करती है। आइए अब जानते हैं एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के करैक्टरिस्टिक्स के बारे में कि वो कैसा दिखता है। एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड अभी किया जाता है, लेकिन सेटलमेंट फ्यूचर में होता है, जो कि कॉम्प्रिहेंसिवली 3 मंथ्स के बाद होती है। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है। आपको ट्रेड लॉट साइज में करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप इक्विटी मार्केट में SBI का एक स्टॉक भी बाय कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर मार्केट में SBI का एक लॉट का साइज है 3000 क्वांटिटी। मतलब कम से कम आपको 3000 क्वांटिटी बाय करने पड़ेंगे, या नहीं तो उसके मल्टीपल्स में, जैसे कि 3000, 6000, 9000 एक्सेट्रा। आपको एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए फुल अमाउंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप बस एक छोटा सा फ्रैक्शनल अमाउंट, जिसे मार्जिन कहते हैं, पे करके पूरा लॉट बाय कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पर यदि SBI का प्राइस चल रहा है 170 रुपीज पर शेयर का, तो 3000 शेयर्स बाय करने के लिए आपको 5,10,000 रुपीज देने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको बस एक छोटा सा मार्जिन से 35% ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट ही पे करना होता है, जो कि 1,78,500 बनता है, और आप वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर पाते हो। उस छोटे से अमाउंट को ही मार्जिन अमाउंट कहा जाता है। और यदि आप शॉर्टिंग करते हो, यानी पहले सेल और बाद में बाय करते हो, तो भी यही मार्जिन अमाउंट पे करना होता है। जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा होगा, उस दिन को एक्सपायरी डे कहा जाता है, और इसी दिन ही फाइनल सेटलमेंट भी होता है। तो मान लीजिए आपने SBI फ्यूचर्स का एक लॉट 170 रुपीज पर खरीदा था, और एक्सपायरी वाले दिन वो 180 रुपीज पर ट्रेड हो रहा होगा, तो आपको 3000 × 10 = 30,000 का प्रॉफिट होगा, जो कि एक्सचेंज सेलर के मार्जिन अमाउंट से काट करके आपको दे देगा और रिमेनिंग अमाउंट सेलर को दे देगा। और इसके अपोजिट यदि प्राइस 160 पर चल रहा होगा, तो आपको लॉस होगा 3000 × 10 = 30,000 का, जो कि एक्सचेंज आपके दिए 1,78,500 में से काट कर सेलर को दे देगा और रिमेनिंग अमाउंट आपको दे देगा। यहाँ पर एक और बात इंपॉर्टेंट है। आपको इस कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट करने के लिए सेटलमेंट डे, या यूं कहें कि एक्सपायरी डे का वेट नहीं करना पड़ता है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रांसफरेबल होते हैं, तो आपको एक्सपायरी डे से पहले कभी भी एग्जिट करना है, तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को किसी और ट्रेडर को सेल करके एग्जिट कर सकते हो। आइए अब जानते हैं फ्यूचर मार्केट के बेनिफिट्स के बारे में, जो फॉरवर्ड मार्केट में नहीं होता है। फर्स्ट बेनिफिट ये है कि इसे रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा, इसलिए ये एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। और क्योंकि आप इसमें एक मार्जिन अमाउंट देते हो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते वक्त, इस कारण से इसमें काउंटर पार्टी के डिफॉल्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सेकंड बेनिफिट ये है कि एक्सचेंज एक बहुत बड़ा मार्केट होता है, जिसमें आपको आपका काउंटर पार्टी आसानी से मिल जाता है, जिसका व्यू आपके व्यू के ठीक ऑपोजिट हो। थर्ड बेनिफिट ये होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रांसफरेबल होते हैं, तो आपको एक्सपायरी तक वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, या यूं कहें कि आपको जब भी एग्जिट करना होता है, तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और ट्रेडर को ट्रांसफर कर सकते हो उस वक्त जो भी प्राइस चल रहा होगा उसके ऊपर। आई होप आपको फ्यूचर मार्केट समझ में आ गया होगा। हमारे अगले वीडियो में हम जानेंगे कि फ्यूचर मार्केट का यूज किस लिए किया जाता है, और साथ ही फ्यूचर मार्केट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो बहुत जरूरी हैं आपको समझना। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड टेक केयर।